नमस्कार, बंजारा वीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे दंपति, डॉक्टर दंपति से, जो इलाज जो है मात्र एक बाल से करते हैं। कुछ अलौकिक काम है उनका। चलिए उनसे ही पूछते हैं इस थेरेपी को किस तरह अंजाम देते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर मन जी, डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस थेरेपी को, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर मोनिका गोस्वामी। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी। जैसा कि हमने उल्लेख किया कि एक बाल से आप पूरी दुनिया का इलाज करने की तैयारी है और करते भी रहे वर्षों से, तो इस थेरेपी को कहते क्या है और कैसे ये मैनेज होती है जी? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ये थेरेपी एक होम्योपैथी है, और होम्योपैथी में जिस तरीके से होम्योपैथी को करने के लिए सारे सिद्धांत के द्वारा एक दवा का जो चुनाव करते हैं हम लोग, जो भी दवा हमारे सामने उस वक्त चुनकर आती है रिपर्टरी करने के बाद, लक्षण को लेने के बाद, उस दवा को हम लोग बाल के माध्यम से प्रसारित करते हैं। इसलिए इस विधा को हम लोग होम्योपैथिक ड्रग ट्रांसमिशन थेरेपी भी कहते हैं, और हम लोग तो कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि दूर दराज अगर कोई बैठा हुआ है तो क्या उस थेरेपी का लाभ आपसे इत्मीनान से ले सकता है? दूरी के लिए ही ये इलाज है, क्योंकि अगर बाल जब शरीर से हमने अलग कर लिया तो रोगी कितना भी दूर चला जाए। अच्छा, पेशेंट को एक बार आना होता है? नहीं, पेशेंट को एक बार दिखाने आना है, इसके बाद दो तीन दिन में उसको फोन करना है। अगर बहुत दूर का पेशेंट है तो हम लोग उसको एक महीने के बाद विजिट कराते हैं। कुछ पेशेंटों को, जो लोकल पेशेंट है, तो उनको 15 दिन पे विजिट कराते हैं। सिर्फ पेशेंट को दवा नहीं खानी है, बाकी उसको फॉलो अप तो देना है आके, क्योंकि जो चीज वो हम सामने आके पेशेंट हमको बताता है, दिखाता है अपने लक्षण, वो फोन पे बहुत सारे सिम्टम्स कलेक्ट नहीं होते। हाँ, फोन एक सुविधा है, ना कि उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट, आना तो पड़ेगा उसको। डॉक्टर मोनिका, ये थेरेपी और इसका ज्ञान आप लोगों ने कहाँ से अर्जन किया? हम लोग गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं, जो बनारस के आगे गाजीपुर पड़ता है। वहाँ पर हमारा सरकारी कॉलेज था, और हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सर हमारे गुरु रहे हैं, वो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं। जब हम कॉलेज में गए तो होम्योपैथिक सिद्धांतों की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सर के बारे में हमको पता चला, लेकिन एक विचित्र बात भी पता चली। सिद्धांत तो वो फॉलो करते हैं, लेकिन बाल से इलाज करते हैं और खाने लगाने को कोई दवाई नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज से हट जाते हैं कि ऐसे कैसे इलाज। लेकिन चूंकि हमें सिद्धांतिक होम्योपैथी करनी थी, हमें ऐसे होम्योपैथी नहीं करनी थी एक या दो दवाई, मुझे हेनिमेनियन सिद्धांत को फॉलो करना था। तो मुझे इकलौता ही गुरु नजर आया, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सर। तो हम उनके यहाँ जाते रहे, उनसे सीखते रहे, दिन में कॉलेज अटेंड करते थे और शाम को उनकी ओपीडी देखते थे। वहीं उन्हीं का ही सारा दिया हुआ ज्ञान है जो आज हम लोग दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब से मुलाकात आपकी वहीं हुई? बिल्कुल, हम लोग बैचमेट हैं और ये झांसी से हैं, और मैं हरदोई लखनऊ के पास वहां की हूँ। तो हम लोगों की लव मैरिज है, तो हम लोगों का प्यार कम काम ज्यादा रहा है, इसीलिए फिर वो साथ आगे बढ़ता चला गया। और उसको हम लोग की इंटरकास्ट लव मैरिज है, मैं बाईकास्ट बनिया हूँ और ये ब्राह्मण है, तो थोड़ा मुश्किल तो होता है। नहीं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं जुड़वा, आप वो पूरी पूरी सोसाइटी के लिए बहुत उम्दा है जी। तो मैं, एक सवाल हमारा ये है कि जैसे बाल आप चयन करते हैं, तो मरीज को मान लीजिए कोई डाई करके आया है, तो आपको उससे कोई दिक्कत होती है या सिर्फ बाल से मतलब है? बाल से ही सिर्फ मतलब है, कलर या डाई से कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये क्वांटम लेवल पे काम करती है ना, नैनो फिजिक्स, नैनो क्वांटम नंबर पे ये काम करती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा आपको कि इंटेंगल्ड पार्टिकल, तो इसका डाई से कोई लेना देना नहीं। डाई इज ए मटेरियल थिंग और हम लोग एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा हास्यास्पद भी मानते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को आप संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे कि ये थेरेपी वाकई बहुत फ्रूटफुल है? जैसा कि मुझे छोटी सी मुलाकात में आपने बताया, दर्शकों को भी आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें प्लीज। बिल्कुल, देखिए, ये थेरेपी जो इतना जरूर है कि जब
लोग कहते हैं कि बाल शरीर से अलग हो गया तो फिर कैसे काम करेगा। हाँ। तो इसमें मैं संक्षेप में ये कहूंगा कि मोटी सी बात ये समझ लीजिए कि बाल शरीर से अगर अलग हो भी जाता है तो भी वो किसी ना किसी फ्रिक्वेंसी से इस शरीर में से जुड़ा रहता है। ये हमारी साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण है, ये वैज्ञानिक कारण है। और चूंकि हमारी बॉडी से बाल अलग हो जरूर गया लेकिन फ्रिक्वेंसी से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम किसी फ्रिक्वेंसी पे कुछ काम करेंगे तो सेम फ्रिक्वेंसी पे हमारी बॉडी उस चीज को ग्रहण करेगी। इसी थ्योरी के आधार पे हम लोग इस ट्रांसमिशन को कर पा रहे हैं और ये संभव है। तो सब आप लोग इस तरह की सेवा जो मरीजों को आप दे रहे हैं कितने वर्ष से? हमको 14 साल हो गया है प्रैक्टिस करते हुए झांसी में। और ये जो एनर्जी जो ट्रांसमिशन है संभव इसलिए है क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयाँ एनर्जी फॉर्म में है। अगर ये मटेरियल फॉर्म में होती तो संभव नहीं था। और हमारी बॉडी से जो बाल अलग हुआ, सिर्फ बाल ही नहीं, नाखून, स्किन, थूक, खून, स्पर्म, ओवा, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर हम निकाल लें, प्रिजर्व कर लें, तो उससे हमको हम कर सकते हैं काम। वही एक सही दवाई का चुनाव करना होता है। अगर सटीक दवाई का चुनाव नहीं हुआ तो होम्योपैथी की दवाई ठीक से काम नहीं कर पाती है। और हम ओरल देंगे तो भी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मटेरियल डोजिंग नहीं है, यहाँ पर एनर्जी डोजिंग है। तो जब हम टंग डोज देते हैं तो मुंह से ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, हम टच करते हैं। एक कहावत आपने होम्योपैथी में बहुत सभी ने सुनी है कि होम्योपैथी की दवाइयों को कभी भी हाथ से नहीं स्पर्श नहीं किया जाता, हम कागज या ढक्कन से लेके ही खाएंगे। उसके पीछे बेसिक कारण यही है कि होम्योपैथी की जो पोटेंटाइज दवाइयां हैं वो एनर्जी फॉर्म में है। और एनर्जी को हम जीभ पे टच करें या हाथ में टच करें या उस एल्कोहल में जो दवाई एनर्जी फॉर्म में हम उसको सूंघें तो भी हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होती है। हम थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं, बाल ही अलग कर दिया बॉडी से। उसके पीछे वही है इंटेंगल्ड पार्टिकल जो हमारा बॉडी से एक फ्रीक्वेंसी से हमारा बाल जुड़ा हुआ है। और होम्योपैथी की दवाइयां चूंकि एनर्जी फॉर्म में है इसलिए हम उनको ट्रांसमिट कर पाते हैं। और असर तभी होता है जब सही दवाई का चुनाव होता है जिसको हम सिमिलिमम बोलते हैं होम्योपैथी में। डॉक्टर साहब, आमतौर पर होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत सारे मिश्रण के साथ भी दवाई देते हैं, जबकि बताया जाता है कि मिश्रण से ज़्यादा लाभ नहीं होता या होता ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनको आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा अपने ज्ञान को, थोड़ा सा अपनी स्टडी को और बढ़ाना पड़ेगा। बहुत से डॉक्टर देख रहे हैं कि आजकल मिक्सचर यूज कर रहे हैं, ये होम्योपैथी के सिद्धांत में नहीं आता है। अगर वो इसको थोड़ा सा और अपना पढ़ाई को व्यापक रूप से बढ़ाते हैं, तो उन्होंने उसको होम्योपैथिक को एलोपैथिक में समाहित जैसा कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा अगर वो लोग थोड़ी सी और मेहनत करें, जो आने वाली पीढ़ी है उनको यही बोलेंगे कि वो लोग थोड़ा सा मेहनत करें और ये जो मिक्सचर को एक मेडिसिन तक अगर खोजने का प्रयास करें तो उनको और अच्छी सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, किस तरह के मरीज आपके पास ज्यादा आते हैं और किसको जल्दी जल्दी तो खैर होम्योपैथिक में नहीं लाभ मिलता लेकिन स्थायी लाभ किसको आपने अब तक दिलाया 14 वर्ष में? सबसे पहले मैं कहूंगी कि होम्योपैथी में जल्दी लाभ नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत धारणा है। होम्योपैथी में अगर मिनिमम दवा है तो तुरंत लाभ मिलता है। और होम्योपैथी में किसी भी तरीके का क्रॉनिक केस हो क्योर होता है, चाहे वो गठिया से संबंधित हो या स्किन से सोरियसिस जो कि बहुत ही जटिल और इनक्योरेबल डिजीज मानी जाती है, 100% ठीक होती है। इसके साथ साथ अगर हार्ट पेशेंट भी है, इवन हम लोगों ने ब्रेन ट्यूमर्स ठीक किए हैं, क्योर किए हैं। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है और आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप प्लीज सर्जरी ना कराएं, एक बार मशवरा लें आप, बिल्कुल जरूर लें, क्योंकि एक बार सर्जरी कराने के बाद दूसरी बार 100% ब्रेन ट्यूमर बनेगा। अगर आप दोबारा सर्जरी कराएंगे तो यही वो कैंसर का रूप ले लेता है। और अगर आपको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हुआ है और आप होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं, अगर आप होम्योपैथी को समय देते हैं और क्योर होता है तो दोबारा ब्रेन ट्यूमर बनने की संभावना 99% तक खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ जो आपके शरीर के और भी रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जी पाते हैं। हम बीमारी में नाम नहीं ले सकते हैं, हम कुछ बीमारियों के नाम ले सकते हैं। आपकी बॉडी में ए टू जेड मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी शरीर में है, चाहे आपका मानसिक, इमोशनल या फिजिकल। इमोशनली कोई बहुत रोता है,
या बहुत डिप्रेस रहता है या बहुत गुस्सा आता है, कोई चोरी भी करता है, ये आदत है, वहां तक होम्योपैथी काम करती है। सिर्फ फिजिकल कंप्लेंट हम दायरे में नहीं मान सकते होम्योपैथी को। अगर व्यक्ति के अंदर नॉर्मल से हटके कुछ भी है वो होम्योपैथी क्योर करता है, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो या फिजिकल लेवल पर हो या वो इमोशनल लेवल पर हो। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। जब अपने यहाँ पहली बार एक ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ, कब की बात है ये? सदर बाजार से जो पेशेंट आती थी, ये 2010 के, 2010 10 की बात है। तो हम लोग 2008 से 7 से प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योर हो गया, बहुत खुशी हो गया हम लोगों ने। डॉक्टर ओपी सिंह सर जो हमारे गुरु जी हैं, उनको फोन किया कि सर आज ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा है। हमको लगा कि शायद हो सकता है वो सुन ना पाए, वो चौंक जाएंगे, चौंकेंगे, खड़े हो जाएंगे, चिल्लाएंगे उतनी तेज तेज, फिर रिएक्ट करेंगे। हमने फिर कहा सर, बोले हाँ। हमने कहा सर ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ है? बोले हाँ सुना, होम्योपैथी से ठीक होता है। कितने सहज। और उन्होंने कहा कि होम्योपैथी से ये चीज ठीक होती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, अगर आपने सही दवा उनको दे दिया तो ठीक हो गया, ये कोई बहुत चमत्कारिक बात नहीं है। उनके लिए नहीं थी, लेकिन हमारे लिए, होम्योपैथ के लिए उन्होंने कहा कोई चमत्कारी बात नहीं है जी। अगर एलोपैथ कहे कि बिना सर्जरी के ठीक हो गया तो एलोपैथ के लिए चमत्कारिक बात हो सकती है। बोले नहीं, ये तो सहज बात है, ये तो ठीक होता है। डॉक्टर साहब, अब यहाँ एक सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से मैं पूछूंगा कि इस थेरेपी को मैं कितना, मतलब एक मामूली आम वर्ग का आदमी क्या अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से कर सकता है। हम लोगों की बहुत महंगी पद्धति नहीं है, हम लोग महीने में एक ही बार पेमेंट लेते हैं और बहुत जांचों पे विश्वास भी नहीं करते, लेकिन कराना कभी कभी जरूरी पड़ता है। और किस तरह की जांच आप जरूरी समझते हैं? जैसे कभी थायराइड है तो 3 महीने में या 6 महीने में, या कभी फाइब्रॉइड्स हैं, अब सर दर्द है, हर बार सीटी स्कैन कराना तो जरूरी नहीं है। और बहुत हम जांचों पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जहां सिम्टम्स पे विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जांचों का भी सहारा लेना पड़ता है। और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं है पद्धति, क्योंकि चूंकि ये थेरेपी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है अभी। अब लोगों को लगेगा कि भाई ये ऐसा ना हो के, क्योंकि आजकल का जो प्रोफेशन है, डॉक्टरी प्रोफेशन से मरीजों का विश्वास उठता जा रहा है। सही है सर, इसके बारे में हम जरूर बताएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ, अगर हम लोग पर्सनल में बता रहा हूँ कि अगर डॉक्टर मोनिका या मैं अगर हिस्ट्री ले रहा और हिस्ट्री लेते लेते अगर हमको समझ में आया कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जी, तो आज कम से कम हमारे यहाँ 500 केस ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे होंगे जिनसे हम लोग निःशुल्क जिनको करते हैं। हमारे लिए प्राथमिकता उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, स्वस्थ हो जाना है। और अगर कोई रोगी ठीक होगा ना तो वो जो हमको दुआएं देगा तो शायद वो हम खरीद अनमोल होंगे। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से अपने जूनियर और अपने सहयोगी डॉक्टरों से ये भी कहना चाहूंगा, जहां आप अर्थ की बात कर रहे हैं, आर्थिक रूप की बात कर रहे हैं, कि रोगी आप कितना भी कमाएंगे ना सर, खाएंगे रोटी ही, रुपया नहीं खाएंगे। हाँ, और अगर जब रोटी खानी है तो बहुत मगजमारी नहीं करनी चाहिए, अपने काम पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इन दिनों देखा गया है कि लोग डॉक्टर की फीस जो अफोर्डेबल नहीं होती कि कई लोगों के लिए, तो वो गूगल से और इधर उधर से आयात करके दवाइयाँ खा के अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। इसलिए इस थेरेपी के बारे में मैंने ये जानना चाहा कि हमारे दर्शक अगर आपको संपर्क करना चाहें तो डरे नहीं, कम से कम नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, पूरी तरीके से साइंटिफिक है, बिल्कुल डरने की भी जरूरत नहीं है। और जैसे आजकल बीमारी की शुरुआत हो गई, आपको बीपी बढ़ने लगा या शुगर बढ़ने लगा या थायराइड बढ़ गया या पीरियड्स लेट होने लगे, तो आप एलोपैथी में जाने से वो बीमारी जटिल होती है और हमेशा के लिए होती है। अगर आप शुरुआत होम्योपैथी से करते हैं तो वहीं की वहीं क्योर होती है, और वो जीवन भर के लिए क्योर नहीं हो सकती। हाँ, वो चीज 5 साल बाद फिर आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि आपका माहौल वही है ना, आपकी टेंशन वही है। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हो सकता है कि वो चीज क्योर हो जाए, और हो सकता है 10 साल डिले हो जाए। तो समय से आइए, ज्यादा देर मत करिए। अगर चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं तो बॉडी आपकी रिस्पांस नहीं करेगी, तो होम्योपैथी कैसे उसको ठीक कर देगी? तो घुटना बिल्कुल
इस कगार पे पहुंच गया है कि अब उस ट्रांसप्लांटेशन के बिना काम नहीं चल सकता, तो वहां पर होम्योपैथी नहीं काम कर सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे गठिया हो गई, हमारे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया या मेरे जॉइंट्स पेन शुरू हो गए हैं, आप मिलिए। हम लोगों ने 150 माइक्रोग्राम जो थायराइड की टैबलेट्स लेती हैं महिलाएं पर डे, उस तक को छुड़ाया है। अभी अभी लेटेस्ट केस है कि एक डायबिटीज बिल्कुल क्योर हो गया है, शायद रजनीश जी। हाँ, एक हमारे सदर के ही पेशेंट है, एक मेरी उरई की पेशेंट है जिसके शुगर मीटर में नहीं आती थी, जो घर में चेक करती थी, 600 प्लस थी, एलोपैथी की दवाई भी ले रही थी साथ में, कंट्रोल नहीं हो रही थी, और उसकी जादू हुआ है भाई, क्योर हुई है, दवाइयां सब छूटी हैं। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथी काम करती है सटीक। आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के समय जब आप दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, इस बात का ध्यान रखना है, कुछ छुपाना नहीं है, दिल खोल के बताना है। हाँ। हम लोग बहुत गहराई से पूछते हैं, कोई मानसिक तनाव है, आपको लगता है क्या बताएं अपने घर, छुपाइए मत, बताइए, आपने कुछ भी गलत काम किए हो, सब कुछ शेयर कीजिए, धीरे से शेयर कर दीजिए। बस आपकी हर पर्सनल चीज मेरी पर्सनल है, फिक्स डिपॉजिट रहेगी आपके पास, हमारे लिए सिर्फ आपकी दवाई निकालने तक वो हिस्ट्री है, बस हम भी भूल गए कि आपके साथ क्या हुआ है। तो इसलिए बहुत प्राइवेसी है, और होम्योपैथिक डॉक्टर के सामने कुछ छुपाइए नहीं, सटीक हिस्ट्री दीजिए और दिल खोल के बताइए, और विजिट फ्रीक्वेंट करते रहिए, आप क्योर होंगे आपकी कितनी भी जटिल बीमारियां हों। डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट कहाँ कहाँ हिंदुस्तान में विराजमान है? लगभग अभी हमने साउथ से रोगी नहीं है हमारे पास, क्योंकि तमिलनाडु का पेशेंट है मेरे पास, तमिलनाडु से है, लेकिन देखिए है सब यहीं के रिलेटिव, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, शुरू में हमारे पास केरल वगैरह के भी पेशेंट आए, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और उस समय शायद व्हाट्सएप कॉलिंग भी इतना आसान नहीं था, टेक्नोलॉजी भी थी। आज अगर हमारे पास वो पेशेंट रहेंगे, लैंग्वेज भी बहुत हिंदी सब समझते हैं, अगर आज हम ऑनलाइन पेशेंट भी देख रहे हैं, मुंबई की मेरी एक पेशेंट है, एक या कई पेशेंट है जिनको मैंने कभी नहीं देखा, और हमने ऑनलाइन ही शुरू किया, हम वीडियो कॉलिंग के जरिए देखते हैं। अभी लास्ट दिवाली में एक साल बाद वो मुझसे मिलने आई, स्पेशली मिलने आई, दिखाने नहीं आई, सिर्फ मिलने आई कि मैं अपने डॉक्टर से मिल के आऊं। उन्होंने वहां से बाल पोस्ट कर दिया, वही मैं पूछना चाह रहा था कि अगर दूर है तो उसको कुरियर के द्वारा। मैं बता रही हूँ आपको, तमिलनाडु क्या पेशेंट है मेरे पास में, इसके साथ कलकत्ता, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, इसके साथ जम्मू कश्मीर का पेशेंट है मेरे पास में, दिल्ली, कई बार हम दिल्ली डॉक्टर जाते हैं, पंजाब के पेशेंट, हरियाणा के पेशेंट है। बताया कि आप दिल्ली भी बैठते हैं, तो कब आपका जाना दिल्ली होता है? दिल्ली कहाँ मिलते हैं वहाँ? सेकंड सैटरडे संडे को हम बैठते हैं हर महीने के, वहाँ नवजीवन हॉस्पिटल है प्रीतमपुरा में। अच्छा अच्छा। और हमारा फोर्थ सैटरडे संडे आरके हॉस्पिटल में बैठते हैं, जो पड़पड़गंज में है, मदर डेयरी के ठीक सामने। हम यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक दोनों दिन ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो महीने में करीब 2 बार मेरा विजिट लगता है, सेकेंड सैटरडे संडे नवजीवन में जो कि प्रीतमपुरा में, और आरके हॉस्पिटल फोर्थ सैटरडे संडे जो पड़पड़गंज में। डॉक्टर साहब, आपकी ये जो थेरेपी है, ये और भी कई जगह आपके जैसे डॉक्टर देखे जाते होंगे, या आप इकलौते हैं हिंदुस्तान में? ऐसा नहीं है, हम लोग इकलौते नहीं हैं। हाँ, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर ओपी सिंह सर हैं, जो कि इस वक्त गाजीपुर में हैं, हमारे गुरु हैं, और डॉक्टर एमके साहनी सर जो कि पटना में, जो डॉक्टर बी साहनी सर जिन्होंने इस पद्धति को खोजा जी, उनके बेटे, फिर उनके नाती उसको क्रम से चला रहे हैं, डॉक्टर संजीव सर पटना में हैं, और लखनऊ में डॉक्टर रवि सिंह हैं, और यही झांसी में ही एक हमारे साथ के हैं डॉक्टर गुप्ता, जो कि ब्रजेश गुप्ता। अच्छा। इन्होंने भी बाल से इलाज चालू किया। बरेली में हैं डॉक्टर खरे। कानपुर में डॉक्टर जितेंद्र एंड डॉक्टर पूजा त्रिवेदी। मनीष आगरा
मनीष शर्मा एंड रूपाली शर्मा आगरा मतलब इसका स्टूडेंट्स हैं, बाकी डॉक्टर सुनील अमेठी में बैठता है, डॉक्टर आशीष वर्मा इलाहाबाद में, ऐसे बहुत से डॉक्टर, आशीष अखबार कानपुर में, ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो हम लोगों के ब्रांचेस हैं ये, अदरवाइज बहुत डॉक्टर हैं जो एमके साहनी सर के ब्रांचेस हैं, हमारे गुरु के ब्रांच हैं, हमारे उपेश सर के ब्रांच बहुत सारे हैं, ये हमारे हमने उनके नाम लिए जो हम लोगों से ब्रांचेस निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आते हैं, हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस भी चलती है ऑनलाइन। अच्छा, आप लोग इसका ज्ञान ट्रांसफर भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी कोरोना की वजह से हमारे पास स्टूडेंट्स अभी आते रहते हैं कम, लेकिन डेढ़ साल कोई स्टूडेंट नहीं आया, हम लोगों ने ऑनलाइन किया, नहीं तो यहाँ स्टूडेंट्स 6-6 महीने रहते हैं, साल साल भर रहते हैं। अच्छा, सीखते हैं यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, आपका इस ज्ञान को का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कहाँ तक वो एजुकेटेड होना चाहिए फिर आपके पास आए? कम से कम वो एक तो BHMS में एडमिशन उनका हो, वो किसी न किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो बच्चे आते हैं जब उनको छुट्टियां मिलती हैं तो 2 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए अप्रेंटिसशिप की तरह, हाँ, नया कुछ सीखने के लिए। हम लोग गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं, गवर्नमेंट का है, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर ओपी सिंह सर उनके पास, चूंकि वो लोकल के थे तो हम रोज इवनिंग में जाते थे। अब हमारे लोकल में तो कोई मेडिकल कॉलेज है नहीं, तो वो बच्चे क्या होता है, छुट्टियां होती हैं या एग्जाम ओवर हो जाता है तो बीच बीच में 2-3 दिन के लिए आते हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है उसके बाद हमारे 6-8 महीने आकर रहे हैं और सीखे हैं, तब उन्होंने अपनी ओपन किया है क्लिनिक। डॉक्टर साहब, ये थेरेपी इतनी उपयुक्त और इतनी कारगर है, इतनी फ्रूटफुल है, फिर भी इसका प्रचार और प्रसार ज्यादा क्यों नहीं है? उसके पीछे सर कारण ये है कि पहले तो उस जो होम्योपैथी जो करने जा रहा है उसको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि यस मैं ठीक कर सकता हूँ, बगैर दवा देकर भी मैं रोगी ठीक कर सकता हूँ, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अब जब आत्मविश्वास हो गया तो फिर उसको ये विश्वास होना चाहिए कि अब मैं बाल से भी इलाज कर सकता हूं। तो इसमें कुछ नहीं है, बाल के द्वारा इलाज करना कोई अलग विधा नहीं है, आपको समझ में आया होगा, जो हम दवा निकाल के जीभ पे गिरा रहे हैं वो हमने बाल पे गिराया। सिर्फ विश्वास अगर बच्चे रखेंगे आने वाली पीढ़ी तो इस विधा का प्रचार प्रसार हो सकता है, प्रचार प्रसार है लेकिन सीमित है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर ये बोलो कि बाल से, वो भी एक बाल से इलाज होता है तो लोग इसको हास्यास्पद मानते हैं। देखिए, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, आप अपने पथ से भटके ना, बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि आप 1% 2% भी अगर भटकते हैं कि नहीं इससे ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दो, तो आपका कब 99% हो जाता है पता नहीं चलता। तो बाल तो ऐसे ही कठिन है, लोग सिंगल मेडिसिन वाले आपको कम मिलेंगे होम्योपैथी में जो ओरल देते हैं, तो एक दवाई उन्होंने दी और उसमें जरा सा हो सकता है वो सही सिम्टम हो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक बच्चा का केस चल रहा है, उसको मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है जिसको हम पेट में गांठे बोलते हैं, आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है जी। तो अब उसको फीवर आया, एंटीबायोटिक दे दी, पेट में दर्द और बढ़ गया, तो फिर जब हमारे पास ट्रीटमेंट शुरू हुआ, अब उसको थोड़ा लूज मोशन हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या फीवर हो रहा है, धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंट तो धैर्य रख लेता है, डॉक्टर के धैर्य पर डिपेंड करता है, डॉक्टर खुद धैर्य ना रखे, अरे कहीं ज्यादा लूज मोशन ना हो जाए, अरे पेट दर्द है बार बार पेट दर्द के लिए बोल रहा है, क्या करे? जब डॉक्टर ही कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा होम्योपैथी में तो क्या करेगा, पेशेंट कहाँ से कॉन्फिडेंस रखेगा? अगर डॉक्टर बोल दे कि नहीं फीवर रहेगा और 2 घंटे झेलिए इस फीवर को, दर्द है थोड़ा सा झेल लीजिए इस फीवर को, जब डॉक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब ना पेशेंट उसको झेलने की कैपेसिटी रखेगा। तो सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए, तो बाल तो और बात की बात है। इस पर एक चीज बताऊंगा सर जी, देखिए जंगल में जो सबसे लंबा जानवर कौन होता है? जिराफ। जिराफ होता है जी। और सबसे ऊंचा? ऊंट नहीं, हाथी। बलवान। अच्छा, सबसे मोटा, मोटा। सबसे चालाक कौन होता है? सब लोमड़ी। सबसे तेज दौड़ने वाला कौन होता है? चीता। चीता। अच्छा, लेकिन इतनी क्वालिटी के लिए इनमें से कोई भी राजा नहीं होता जंगल। इसका मतलब राजा बनने के लिए इन क्वालिटी की जरूरत नहीं है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जंगल का राजा होता है शेर, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास उसका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, सबसे एक बार शेर से पूछा गया कि आपके पास
तो कोई क्वालिटी है नहीं, फिर भी आप जंगल के जंगल में से राजा है, क्यों? उसने कहा मुझको ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा यस। तो जिस दिन हमारे डॉक्टरों को, हमारे होम्योपैथों को ये लगने लगेगा कि यस आई कैन डू दिस, मैं कैंसर ठीक कर सकता हूँ, उस दिन वो कैंसर ठीक करने लगेंगे। पहले तो फीलिंग डेवलप करना है ना। ये मेरे गुरु ने शुरू से ज्ञान दिया है कि कोई भी केस होम्योपैथी में हारता नहीं है, हारते आप हैं। तो आप को जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, और किसी भी केस से डरिए मत जी। आप उस पर काम करिए, वो रिजल्ट आपको देगा। और ये कॉन्फिडेंस होता है जो पेशेंट हमारे अंदर देखता है, इसलिए पेशेंट हमारे साथ लग पाता है जी। तभी वो क्योर कर सकता है। पंकज जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आया कि आपके पास पेशेंट बाल से रिलेटेड, चूंकि आपका प्रोफेशन है, तो इसमें पेशेंट ज्यादातर मेल होते या फीमेल होते? सभी होते हैं, गंजे भी होते हैं। तो वो गंजे बाल कहाँ से लाते होंगे? वहाँ ओरल देते हैं। हाँ, ये बड़ी समस्या है कि गंजे के पास बाल नहीं है। हमारे पास एक बच्चा है, राम नाम है उसका जी। और वो छोटा सा बच्चा है, 6-8 महीने का जी। जी। मुंडन भी नहीं, मुंडन हो चुका है शायद, उसका बाल ही नहीं है उसके पास, तो हम उसको ओरल देते हैं। तो बाल सिर्फ सिर के लिए जाते हैं? कहीं के भी, लेकिन बाल इजिली सर के ही मिलते हैं। हाँ। और लंबा भी सर का ही होता है। हाँ। तो थोड़ा लंबा बाल चाहिए। मैं इसलिए पूछा क्योंकि जो गंजे जो आपने अभी उल्लेख किया, ओरल दे सकते हैं बाल, और बाल लंबा थोड़ा चाहिए होता है, छोटा सा बाल हो तो हमें काम करने कुछ साइज कितना रहना चाहिए बाल का? कि बॉटल में हमारी दवाई में भी डूबा रहे और ऊपर भी निकला रहे, जैसा कि आपने अभी दिखाया, तो रहे इतना, अगर इतना बाल है तो मेरे लिए बहुत, ले तो लेते हैं, यूजफुल उतना नहीं, तो हम ओरल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो निमोनिया का पेशेंट है, अस्थमा, 6 महीने के बच्चे को एस्थमेटिक अटैक होता है, और एक भी डोजिंग नहीं दे रही हूँ एलोपैथिक। ये होम्योपैथी कैल्क्रिया काप से क्योर हो रहा है, पूरी सर्दी निकल गई है लेकिन उसको एस्थमेटिक अटैक नहीं पड़ा, हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चों के लिए, हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए बाल, बाल में कलाकारी नहीं है, दवा कौन सी सेलेक्ट करी है उसमें कलाकारी है। सही दवाई, अगर आपने सही दवा का चुनाव किया है तो उसको चाहे सुंघा दें, चाहे टच करा दें, चाहे बाल में लगा दें, चाहे नाखून में, चाहे यूरिन में या ब्लड में, सही दवा अगर उसके शरीर में जाएगी तभी काम होगा। बाल एक व्हीकल का काम कर रहा है। डॉक्टर मोनिका, मैं आपसे एक ऑफ बीट सवाल करूंगा कि आपने ये सोचा था कि आपको इतना अच्छा जीवन साथी काम करने के लिए मिलेगा? देखिए, हमने पहले भी बताया था आपको कि काम करते करते साथ होता चला गया है ना, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि एक सा साथ हो ना तो काम का आयाम बढ़ जाता है और गाड़ी और रुचि। यस यस बिल्कुल। हमारे कॉलेज के सभी लोग बोलते हैं कि, हमको बोलते हैं कि तुम्हें डॉक्टर गोस्वामी मिल गए हैं इसलिए तुम सफलता कर रही हो, इनको बोलते हैं मोनिका मिल गई है इसलिए सफलता हासिल कर रहे हो। एक्चुअली असल बात क्या है? दोनों का समायोजन है और हमारे गुरु आशीर्वाद। हाँ। उनके बिना हम एक कदम भी शायद नहीं चल सकते थे। हाँ। और जो कुछ भी है उनका दिया हुआ, कई कदम पे कई बार डिगे हैं। देखिए, हम थर्ड ईयर में थे तो केस कई बार नहीं निकलता, इतना आसान नहीं होता है किसी भी बीमारी को क्योर करना, वो भी जब आप स्टूडेंट हो। तो अपने आप में एक सवाल आता था कि हम सही दिशा में चल रहे हैं या गलत दिशा में चल रहे हैं, हमको ये भी सीख लेना चाहिए, हमको ये भी सीख लेना चाहिए। फिर खुद से ही जवाब देते थे, नहीं, हनीमैन गलत नहीं है, सिद्धांत गलत नहीं है, हम और आप गलत हो सकते हैं, चुपचाप चलते रहो, भटको मत, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी। और ये गुरु हमें भटकने किसने नहीं दिया? सिर्फ एक शख्स, हमारे ओम प्रकाश सिंह भाई, उन्होंने हमें भटकने नहीं दिया। उस वक्त ये कहते थे कि इंजेक्शन लगाना भी सीख जाओ, ड्रिप लगाना भी सीख लो, टाके भी लगाना सीख लो। तो एक बार हमने सर से कहा कि सर हम ये सब भी सीख ले, तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई। उस दिन से मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए। सर ने कहा कि एक मोची होता है, पूरी जीवन भर वो जूता सिलता है, उसके दिमाग में कभी नहीं आता कि आज एक पैजामा आ जाता, वो भी सिल देते। और एक दर्जी होता है, वो पूरे जीवन अपने कपड़े सिलता है, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र। बोले भटको नहीं, होम्योपैथी में तुम टाके क्यों लगाना सीख रहे हो? ब्लड रोकने के लिए? अरे ऐसा, तुम्हारे पास तो वो दवा है कि टांके भी लगे हो फिर भी ब्लड ना रुक रहा हो, तब क्या करेगा सर? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ उस जगह को लेकर। एक महिला हमारी रिलेटिव ही है, वो उनके पहला ऑपरेशन हुआ हिस्टेक्टॉमी,
उनको कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम रही होगी, उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि लीकेज होता रहा, यूरिन ब्लैडर में शायद कुछ कट लग गया, तो यूरिन का लीकेज हो रहा पर एब्डोमेन, फिर उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, और उस स्थिति में वो मतलब आप समझिए कि सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं थी। वहां जादू होम्योपैथी का ना, हम उनसे मिलने गए, वो हरदोई में रहती है, एडमिट मेरठ में थी, मैं झांसी में, तो मेरा आना जाना नहीं हुआ, सिर्फ बाल बाईपोस्ट आया और हमने स्टेफसिग्रिया दवाई लगाई। उस दिन से उनका यूरिन रुका, क्या बात, बाल से, ओरल देते तो भी वही काम करती वो, लेकिन बाल से उसने, और उसके बाद यूरिन रुका, फिर उसके बाद बीच बीच में अब विश्वास तो होता नहीं होम्योपैथी पे एकदम से कि इतना क्रिटिकल केस एलोपैथी कैसे छोड़ दे। हमने उनको मना किया, एलोपैथी का बंद करिए, तभी जल्दी जल्दी ठीक होंगी ये। अब रामपुर उनका मायका था, हरदोई और दूर है, मेरठ फिर रामपुर फिर हरदोई, तो हरदोई जाना मुश्किल था उनके लिए, तो वो रामपुर से ट्रेवल करती थी मेरठ के लिए, तो धचकों में फिर ब्लड आया उनका, यूरिन लीकेज हुआ, फिर दवाई दी, ऐसा दो बार तीन बार हुआ, फिर उन्होंने सब, हमने कहा मामा जी सब कुछ बंद करिए प्लीज, उन्होंने सब कुछ बंद किया, और वो सरकारी टीचर है, वो जॉब करती है, बिल्कुल क्यों, और सिर्फ बाल से। हम यहाँ पर ये कहेंगे बाल कुछ अलग नहीं है, अगर वही दवाइयां हम ओरल दे देते तो काम वही था, हमने बाल लगा दिया दूरी। और ये एक बात मैं और कहूंगी कि ओपीसी सर ने तो हमें बहुत साथ दिया ही दिया, साथ में हम लोगों ने भी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा, और ओरल करना बहुत आसान है, लेकिन आप मोहल्ले के ही डॉक्टर बन जाएंगे, जहां आपके पास इतनी खूबसूरत विधा हो, हाँ। तो आप दुनिया में छाने के लिए क्यों तैयार ना रहें? अब तो अमेरिका में भी दवा कर सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि हम दोनों ने डिसाइड किया यार ओरल ओरल कुछ नहीं देंगे, ना हमारे प्लेसिबो भी है, हम ओरल दे सकते थे, हम नहीं देंगे, पेशेंट रुके या टिके नहीं देंगे, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, और आज उस कॉन्फिडेंस का भी असर है, और गुरु ने बराबर हम लोगों को संभाले रखा, उनका वरद बिल्कुल, हर पल जहां केस अटकता था तुरंत फोन करते थे, कितना ही व्यस्त हो, पेशेंट बैठे हो, रात हो, उन्होंने ना समय देखा और उन्होंने हमें पूरा समय दिया। डॉक्टर साहब, इस थेरेपी को लेके आप दोनों को कहीं सम्मानित जरूर किया गया होगा, क्योंकि जिन्होंने जिनको पता है उसका भी संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर बताऊं कि हम लोगों को जहां जहां पर भी सम्मानित किया गया, उस पूरे सम्मान का श्रेय हम लोगों ने डॉक्टर ओपी सिंह सर को दे दिया है, और वो जो सम्मान, जो तालियां, जो कुछ भी मिला, और आज आपके समक्ष अगर आपका चैनल हम लोगों को साक्षात्कार कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इस वक्त डॉक्टर मोनिका गोस्वामी या डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी का नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर ओपी सिंह सर के, ये तो बड़ा पुण्य अच्छा है। और जो कुछ भी सम्मान है जी, डॉक्टर ओपी सिंह सर, डॉक्टर एम के सानी सर का ही है, अभी हम लोग तो बहुत नवजात शिशु हैं अभी इस विधा में। अच्छा, आने वाली अब नया साल की शुरुआत हो गई है, आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या ऐसा धमाका और करना चाहते हैं जो हमारे दर्शकों को चौंका देगा? देखिए, होम्योपैथी में कोई धमाका नहीं हो सकता, मैंने बोला ना होम्योपैथी सिद्धांत से नहीं हट सकती, हम सिद्धांत को बनाए रखें तो कैंसर भी ठीक होगा, और धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मेरे पास एक बाहर एक कैंसर, यूटेराइन कैंसर का केस है, और वो पर डे महिला दवाई खाती थी सुबह शाम, अब कोई दवाई नहीं खाती है, पेन भी काफी उसका रिलीफ है, उम्मीद करते हैं कि वो मेरी पेशेंट ठीक हो, हम सबसे ज्यादा उस पर जोर दे रहे हैं, बाकी हर पेशेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक अवार्ड की बात रही, आप संस्थाओं का नाम ले सकते हैं, होम्योपैथी में कैंसर हॉस्पिटल है, मुंबई में सिंटा है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, आप नाम तरह तरह का ले सकते हैं, लेकिन हर रोगी आपके लिए वो ताली है। अगर वो कोई भी रोगी, एक बच्चा है, वो निमोनिया से पीड़ित है, वो ठीक है, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है। डॉक्टर के लिए रोगी से बढ़ के कोई सम्मान नहीं है, वो क्योर हो तो। चलिए, तो डॉक्टर साहब नई साल में आप सबको दोनों को बधाएंगे, और हम आपको उम्मीद करेंगे। मैं एक लाइन थोड़ा सा और ऐड करूंगी कि इस समय हम लोग विदेशों के भी पेशेंट देख रहे हैं। मेरे पास नासा की एक महिला है, बिंदु चांदना, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैंने फिर भी ले लिया उनका नाम, और लंदन के भी पेशेंट हैं, दुबई से भी पेशेंट हैं, सिंगापुर से भी पेशेंट हैं, तो दूरी डजंट मैटर, सही दवाई और फोन कॉलिंग। डॉक्टर साहब, अभी हाँ मुझे एक बात, एक और लालच आ गई एक सवाल करने की, आप लोगों के इसके अलावा, ये तो आपका पैशन है, आनंद देता है, और क्या क्या शौक है? मेरा डांसिंग और पेंटिंग मेरा
शौक है। तो इस प्रोफेशन में वो मैनेज हो रहा है? बिल्कुल, हम बहुत समय देते हैं, जरूर निकालते हैं, क्योंकि जब तक आप मेंटली वेल नहीं है, उत्साहित नहीं है, तब तक इसमें आनंद नहीं ले सकते ना, आप थक जाएंगे ना। तो आपको चेंज करने के लिए आपको पेंटिंग भी करना चाहिए और डांस भी करना चाहिए। करते हैं, गाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब आता है। सब आपके हमारा क्रिकेट खेलना, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अपने डांस देखना अच्छा नहीं लगता। तो ये थे डॉक्टर गोस्वामी जी और उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर मोनिका जी, जो उनके साथ हम कदम होकर मरीजों का इलाज कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मोनिका जी, आपको बंजार आदि बीच से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत, आप सबको नववर्ष मंगलमय हो। जी, थैंक यू। और ये साल कोई भी रोगी ना हो, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ओमिक्रोन हावी ना रहे। जी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।